तो जैसे कार का टायर अनइवन रोड पे जा रहा है तो फिर स्टीयरिंग पे मुझे हल्का सा वाइब्रेशन फील हो रहा है और थोड़ा मेटेलिक नॉइज आ रहा है। और यही सेम जब मैं आइडल कार पे मैं अगर कार को स्टीयरिंग को ऐसा मूव करता हूँ तब भी वो आवाज़ और प्ले मुझे महसूस हो रहा है स्टीयरिंग का। यही आवाज़ जब अनइवन रोड पे जा रहा है तब भी आ रहा है और ये स्टीयरिंग को क्रॉस करके अगर मैं ऐसा मूव कर रहा हूँ तब भी आ रहा है। आवाज सुनाते नजदीक से। हाय एवरीवन, दिस इज अशोक फ्रॉम टीम मोटो फिक्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग कार रिपेयर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले इस मर्सिडीज ई क्लास कार का कंप्लीट सस्पेंशन ओवरऑल। तो कार का सस्पेंशन वीक हो चुका है एंड मैंने आपको वीडियो में आवाज भी सुना है कि स्टीयरिंग जब हम मूव कर रहे हैं या उसमें थोड़ा प्ले कर रहे हैं तो उसमें एक अजीब आवाज आ रही है। थोड़ा बहुत इसका राइड क्वालिटी भी डिटोरिएट हो चुका है, अंदर थोड़ा बाउंसी फील हो रहा है। तो मिला जुला के हमने चेक किया तो कार का सस्पेंशन वीक था। तो अभी हम कार का रिपेयरिंग शुरू करने वाले हैं एंड इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने कौन से पार्ट्स रिप्लेस किए हैं एंड क्या प्रोसेस से हमने रिप्लेस किए हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो गाइस अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप हम इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ आपको हमारे वर्कशॉप के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। तो हमने इस कार के फॉल्टी सस्पेंशन के जो भी पार्ट्स थे वो डिसमेंटल किए हैं। तो अभी आदिल भाई हमको बताएंगे कि पार्ट्स में एग्जैक्टली फॉल्ट क्या क्या है। तो शुरुआत करते हैं कार के लोअर आर्म असेंबली से। तो लोअर आर्म असेंबली बताइए आदिल भाई। ये देखो ये लोअर आर्म गया है, इसमें नॉइस है और ये पार्ट गया है, लोअर आर्म है नीचे का। okay. तो ये गया हुआ है, इसमें बहुत आवाज आ रही है। आवाज सुनाते नजदीक से। और ये भी देखो एकदम फ्री है। ये थोड़ा हार्ड रहना चाहिए, जैसे कि ये देखो ये नया है, न्यू पार्ट का ये नया है। ये देखो ये मूव होना चाहिए पर स्टिफ होना चाहिए। हाँ लेकिन नहीं हो रहा है, ये अभी ये हार्ड है। गाड़ी का वजन आएगा तो अपने आप मूव करने लग जाएगा, करने लगेगा। ओके परफेक्ट। अभी दूसरा ये देखो ये भी बहुत हार्ड है। ये कवर लगा हुआ है तो इसके लिए बड़ा दिख रहा है, तो कवर निकाल के आप बताओ। ओके ये देखिए नया जॉइंट में कितना स्टिफ है, मतलब ऐसे हाथ से मूव नहीं होना चाहिए। जब हम व्हीकल को चलाते या स्टीयरिंग घुमाते तभी ये जॉइंट्स मूव होता है, तो ये ऐसा होना चाहिए, इतना हार्ड होना चाहिए ये जॉइंट्स जो भी है। प्ले आएगा तो नॉइस आएगा उसमें। प्ले आएगा तो मतलब मेटल टू मेटल टकराने का आवाज आता है वैसे, बराबर आगे भी गाड़ी आगे पीछे करते तभी खट खट ऐसा आवाज आता है। स्टीयरिंग काटने पे भी आवाज आता है, चलने पे खड्डे पे जाने से भी आवाज आता है। तो ये सारे जॉइंट्स जब लूज होते हैं तो ऐसे सारे आवाज आते हैं गाड़ी चलाते टाइम, जो मैंने आपको अभी बताया। तो ऐसा कंडीशन एक कार के आर्म्स का है। के बाद हम बात करते हैं इसके फ्रंट के शॉक एब्जॉर्बर के बारे में। तो ये है कार का पुराना शॉक एब्जॉर्बर असेंबली। तो आप देखोगे तो इसका ये किट जो होता है, बफर किट हम बोलते हैं टेक्निकली, ये पूरा कट के ऐसा नीचे आ चुका है। क्यों आया नीचे, क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्बर वीक हो चुका था तो इसमें बाउंसिंग बराबर नहीं हो रहा था एंड उसी की वजह से पटक पटक के ये इसके किट पूरे कट चुके। तो दिस इज द साइन कि आपकी कार का शॉक एब्जॉर्बर वीक हो चुका है, जब उसके किट वगैरह कट जाते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड ये है न्यू शॉक एब्जॉर्बर असेंबली एंड ये न्यू बफर किट्स, ये सारा इसके अंदर ऐसा इंस्टॉल होगा। एंड ये जो स्प्रिंग्स है पुराने शॉक एब्जॉर्बर के, इस स्प्रिंग्स को हम इसके साथ लगाने वाले हैं। तो ये काम लैथ मशीन में होता है, जो अच्छे से परफेक्टली फिटिंग होता है उसका। एंड ये शॉक एब्जॉर्बर के नए माउंट्स ये भी हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये शॉक एब्जॉर्बर को ऐसा पूरा मतलब बनाया जाता है, इसको असेंबल किया जाता है, बाद में ही इसे कार के साथ फिक्स किया जाता है। तो ये है कार का स्टीयरिंग रैक असेंबली, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव पार्ट होता है। तो ये कार के साथ वाला ओरिजिनल है, इसे हमने कराया है रिपेयर, क्योंकि ये अगर हम रिप्लेस करने जाएंगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो साथ साथ में इसमें प्रॉब्लम था इसके बॉल जॉइंट्स के साथ, तो ये बॉल जॉइंट्स हमने रिप्लेस करवाए लेंथ में। तो ये दोनों नए पार्ट है एंड बॉल जॉइंट, ये है पुराना, तो इसे हमने रिप्लेस किया हुआ है। तो जो स्टीयरिंग घुमाते टाइम जो आवाज़ आ रहा था ना, तो ये इसी की वजह से आ रहा था। साथ साथ में ये स्टीयरिंग का टायरोड एंड, इसे भी हम रिप्लेस कर रहे हैं, इसके भी जॉइंट्स में काफ़ी प्ले आ चुके थे। तो ये जब हम रैक असेंबली फिट करेंगे तो उसके बाद इसे यहाँ पर फिक्स करेंगे। एंड ये जो कार का अलाइनमेंट होता है ना, वो यहाँ से सेटिंग होता है, ये इस पार्ट से सेटिंग होता है। तो अभी हम इस कार में सारे न्यू पार्ट्स इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ नोट की, आदिल भाई कोई भी पार्ट इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके जो भी बोल्ट है उसको लुब्रिकेट कर रहे हैं ग्रीस से पूरा। तो आदिल भाई इसके कारण क्या होता है, हम लोग क्यों इसको ग्रीसिंग करते हैं जरा बताओ। एक तो हम जब खोलते तो जाम खुलता है, फिर उसके बाद हम लगाते हैं ग्रीस। लगाने से क्या फ़ायदा है कि आराम से बोल्ट चले जाता है और नेक्स्ट टाइम कभी खोलने में
वो तकलीफ नहीं आती है। तो आसानी से बोल्ट खुल जाते हैं, क्योंकि बोल्ट बहुत मतलब बहुत टाइम से गाड़ी के साथ लगे होते तो जाम हो जाते हैं, और कभी कभी खोलते टाइम टूट भी जाते हैं या थ्रेडिंग भी खराब हो जाता है। तो हम ये प्रिकॉशन लेते हैं, तो सारे बोल्ट्स को भी अच्छे से लुब्रिकेशन करते हैं, ताकि आगे फ्यूचर में भी गाड़ी में कोई काम करना हो तो आसानी से हो, एंड बोल्ट फिक्सिंग भी अच्छे से हो। एंड जैसे मैंने आपसे कहा था, इस कार में ब्रेक्स का भी काम है, तो इसका पीछे का ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड्स हमने डिसमेंटल कर लिए, तो अभी नए पार्ट्स हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आप देखोगे तो सारे फिटमेंट्स हमने फिक्स कर लिए हैं। अभी आदिल भाई लास्ट में अभी इसका जो क्रैश गार्ड होता है, जो भी रेडिएटर प्रोटेक्ट करने का रहता है, यहाँ पे इंजन गार्ड होता है, सारा फिक्स कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद द अपर आर्म, फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर, टायरॉइड एंड, स्टेयरिंग बॉल जॉइंट, लोअर आर्म, यहाँ का बॉल जॉइंट, मतलब पूरा सेट आ चुका है। इसका स्टेबलाइजर लिंकेज इज समथिंग डिफरेंट, ये भी लगा लिया है। एंड बात करें पीछे, तो पीछे हमने चेंज किया है इसका शॉक एब्जॉर्बर असेंबली, स्टेबलाइजर लिंकेज, एंड पीछे के नया ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड्स, दैट्स इट। पीछे इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं था, पीछे के आर्म्स की कंडीशन एकदम परफेक्ट थी, तो इसीलिए हमने भी कस्टमर को एडवाइस नहीं किया कि इसे रिप्लेस करे, हमें कस्टमर को अननेसेसरी कॉस्ट नहीं देना था। इसके बाद भी फिर से पूरे गाड़ी को अच्छे से चेक किया जाएगा, बाद में ही व्हील्स को फिक्स किया जाएगा। तो अभी कार का सारा काम हो चुका है, हमने व्हील्स को भी फिक्स कर लिया है, अभी हम कार को लेके जा रहे हैं व्हील अलाइनमेंट के लिए। तो सस्पेंशन का सारा काम हो चुका है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि अभी स्टेयरिंग में जब हम वो ऐसा प्ले देते थे तब जो आवाज़ आता था वो आवाज़ अभी आ रहा है कि नहीं। तो आपने देखा होगा कि नॉइज तो अभी पूरा साइलेंट हो चुका है, कोई भी नॉइज नहीं है। अभी चेक करते हैं कि रोड टेस्ट में कार में का राइड क्वालिटी कैसा है। तो ये प्रीमियम कार जो भी होती है जिसमें सस्पेंशन थोड़ा बहुत वीक होता है या कोई कोई चीज़ थोड़ा खराब होता है, तो हमें अंदर फील नहीं होता है, क्योंकि इसका इंसुलेशन इतना परफेक्ट होता है, इसकी वजह से हमें कुछ इतना फील नहीं होता है। बट जब हम कार को ऊपर लिफ्ट करते हैं या मैकेनिकली चेक करते हैं, तभी जाके हमें पता चलता है कि इसके सारे ये सब पार्ट्स खराब हो चुके हैं। तो अभी बहुत लोग ऐसा बोले कि यार मतलब अगर गाड़ी चलाते वक्त तकलीफ नहीं दे रही तो उसे रिपेयर क्यों कराना है, इतना खर्चा क्यों करना है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप इसी कंडीशन में आप कंटिन्यूस कार को चलाते हो तो वो दूसरे कंपोनेंट्स को भी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी इस कार का स्टीयरिंग रैक रिपेयर होकर सक्सेस हो चुका है, बट अगर ऐसे कंडीशन में हम चलाते रहेंगे तो स्टीयरिंग रैक को इतना डैमेज कर देगा कि हो सकता है कि हमें वो रिप्लेस करना पड़ता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। एंड एडिशनली बाद में ये कार के जो टायर्स होते हैं उसके लाइफ भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। सस्पेंशन जब भी ख़राब होता है, नॉट ओनली इन दिस सेगमेंट, कोई भी कार हो, चाहे वो ऑल्टो हो, नैनो हो, मर्सिडीज हो, या रेंज ओवर हो, या कोई भी कार हो, तो अगर सस्पेंशन ख़राब होगा तो आपके टायर्स को भी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, आपके हैंडलिंग को अफेक्ट करेगा, आपके फ्यूल इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। तो सस्पेंशन का एक मेजर रोल है, और कहीं ना कहीं आपका ड्राइविंग कंफर्ट भी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो चलिए कार को लेके जाते हैं रोड टेस्ट पे एंड देखते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। ये देखिए व्हील अलाइनमेंट पूरा आउट है, स्टेयरिंग ऐसा क्रॉस है पूरा, एंड कार स्ट्रेट जा रही है, तो मतलब कोई है ही नहीं, इसका कुछ मेल ही नहीं है मतलब। राइड क्वालिटी तो गाड़ी की बढ़िया लग रही है, वैसे पहले भी मुझे कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं था इतना, बट थोड़ा बाउंसी हो रहा था, इन दैट आई वाज लाइक ओके, मुझे लगा टायर प्रेशर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट विनोद भाई का जजमेंट है, मतलब टेक्नीशियन कार को अलग ही नज़र से देखते हैं एंड उसके बाद ही वो रिपोर्ट्स देते हैं, एंड बाद में फिजिकली भी चेक किया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रोड ट्रायल होता है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। तो कार का पूरा कंप्यूटराइज व्हील अलाइनमेंट हो गया है, एंड हमने एक लिया छोटा सा ट्रायल, एंड लाइक द कार इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी वो स्टीयरिंग भी जो है टिल्टेड नहीं है, बराबर स्ट्रेट रह के चल रहा है, एंड हैंडलिंग भी बराबर है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की, आपको हेल्पफुल लगी हो। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ, हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ।